नमस्कार, मैं अवधेश यादव। आज एक बार फिर हम लोग चाय पर चर्चा हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल और एक्टर से जिन्होंने काफी नाम कमाए इस क्षेत्र में। हम बात करेंगे देवनेगी जी से। देवनेगी जी, थैंक यू स्वागत सर। है आपका हमारे चैनल पर। सबसे थैंक पहले यू। हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से एक छोटा सा परिचय दें, जिससे एक लोग समझें देवनेगी को। तो स्वागत है आपका इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम देव नेगी है। मैं एज एंकर और मॉडल वर्क करता हूँ, फ्रीलांसर। एंड ये शुरुआत मैंने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर से बात करी थी, और मैं आपका कानपुर के रहने वाला हूँ। थैंक यू। देवनेगी जी, आपकी जो शुरुआत है, अगर हम बात करें एजुकेशन से लेके और इस पड़ाव तक, कैसे आपने इन चीज़ों को एक संजोया है? कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है? कहाँ तक आप इस क्षेत्र को ले जा पा रहे हैं? सर, ग्रेजुएशन एजुकेशन की बात करें तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीएससी पीसीएम मैंने, से। आप क्या पूरी तरह से कानपुर के हैं? या तो प्रॉपर मैं नहीं, मेरी जो रहिश है वो कानपुर के रहने वालों में, मैंने, हम प्रॉपर आपको कनपुरिया उत्तराखंड कह को। सकते हाँ, हैं। कनपुरिया कह सकते हैं, थोड़ा कनपुरिया वाला टोन है, थोड़ा लैंग्वेज में। हाँ, बेसिकली आई एम तो फ्रॉम कनपुरिया तो खूब उत्तराखंड। धमाल मचा रहे हैं इस बार। बिल्कुल धमाल मचाए रहे हैं, और धमाल मच भी रहे हैं। मेरे साथ वाले भी, हम भी थोड़ा धमाल लगाने में लगे हैं। आप, जैसे मुझे आपका पता चला, आप एक मॉडल भी हैं, साथ में एक अच्छे एंकर भी हैं, जी तो ये मोटिव कहाँ से? लोग तो पढ़ाई में आईएएस आईपीएस और न जाने कितनी डिग्री हासिल करते हैं, पर एंकर और मॉडल। एक्चुअली देखिए, एंकर और मॉडल का सीन ऐसा रहा है कि जो मॉडलिंग था ये मेरा शुरुआत से पैसन था। हाँ, एजुकेशन से भी मेरे कनेक्शन जुड़े थे। एक आप ए प्लस नहीं कह सकते, हाँ एक एवरेज एज अ स्टूडेंट क्लास में था। एजुकेशन मेरी ऑक्सफोर्ड से हुई है, एंड उसके बाद जब मैंने एज अ सेल्फ डिपेंड हुआ था, मैंने जी एक मोटिवेशनल कंपनी बिल्कुल, ज्वाइन किया था, जी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से मैं मोटिवेशनल स्पीकर था। देन ओके वहाँ से जब मैं स्पीकिंग करता था, लोगों को बात करता जी, था, वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक एंकरिंग भी ट्राई करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और देन मेरा दूसरा टीम था मॉडलिंग का, तो मॉडलिंग का जो टीम तो था, कौन है आपका रोल मॉडल? किसको आप एक मानते हैं कि हाँ, मैं इनसे इंस्पायर हूं, मुझे ऐसा करने का मन हुआ? एक्चुअली एंकरिंग की लाइन में तो कहें, मैं मनीष पॉल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा, मनीष पॉल, उनका बहुत बहुत जैसा बहुत एक ट्रीटमेंट बहुत करना, बहुत चुनिंदा और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी अपने उस जी क्षेत्र के। उनकी हर चीज़ स्टाइल है, चाहे लुक से लेके आपके बात करने का तरीका, हर चीज़ में महफिल में जमे हुए हैं। जी, और अगर बात करें मॉडल की, तो किसे मानते हैं अपना रोल मॉडल? मॉडलिंग के लिए मैंने ट्राई किया था अभी, जैसे कि आपका मॉडलिंग में एक, मैं आपके एक वेस्टर्न में है एक मॉडल, जी यूफेस पेपर करके है। जी जी मोस्टली जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट, उनको फॉलो करना था, उनके वॉक, उनके जी बात करने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल। बहुत जरूरी होता है किसी मॉडल के जी इस को फॉलो करना, उनके ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना, उनके कदम को फॉलो करना। ऑब्वियसली, बिना किसी भी ड्रीम को आप अगर फॉलो करते हो, उसका एक ना स्पेंसर कोई भी होता है। आप किसी भी चीज़ में जाओ, जी, तो आप एक अच्छे मॉडल है। सुना है आपने एक कंपनी बना डाली इसी चक्कर में, बहुत अच्छी है, जो दिन बाद हाँ दिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर या रही एक्चुअली है। एक कंपनी है, मैंने साथ काफ़ी साथ में सपोर्टिंग हैंड साथ मैंने स्टार्ट की थी, एक्सॉटिक जी एंटरटेनमेंट साथ, जी उसमें काफ़ी सारे इससे ऑडियंस पहले को। भी आप बहुत अच्छे शोज कर चुके हैं, मैंने भी देखे हैं आपके शोज। हाँ एक्चुअली, इस शोज से काफ़ी रहा है कानपुर का, बहुत कानपुर के लोगों का बहुत प्यार मिला है। अधिकतर इन्वाइट किया जाता है एज अ होस्ट, जी, तो कानपुर से भी, लखनऊ से भी, काफ़ी आउट ऑफ सिटीज से भी कई मैंने सारे शोज अवार्ड्स करे। भी आपको रिसेंटली कई समाजसेवी संस्थाओं ने या कुछ जी कंपनियों ने आपको दिए गए हैं। काफ़ी सारे, हाँ मुझे देवेश्वर फिल्म्स ने भी दिया है एज अ बेस्ट होस्ट का, एंड वी जी क्लब जी अकेडमी से ही मुझे एज अ बैटल होस्ट का भी अवार्ड मिला है, और मैंने मिडास मल्टीट्रेड से मुझे द पर्सनालिटी ऑफ कानपुर का भी अवार्ड मिला है। इतने सारे अवार्ड होने के बाद मैं बड़ा अच्छी लग रहा है कि आप मेरे साथ हैं। ये मेरा सौभाग्य कि हम आपके साथ इंटरव्यू में बैठे अच्छा, हैं। आप हमारे साथ। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या करना एक्चुअली चाहेंगे? फ्यूचर प्लानिंग मेरी है कि मैंने जहाँ तक मॉडलिंग की है, जितने भी मॉडलिंग के मेरे कंटेस्टेंट हैं या स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे, मैंने एक्चुअली मैंने रैम कोरियोग्राफी भी किया, रैम स्टाइलिस्ट भी किया है, बिल्कुल जितने भी मुझे रिस्पेक्ट से सर मानते हैं, उनको एक मेरा ड्रीम है कि उनको एक ऐसे लेवल पर पहुंचाना जहां पे एक लगे कि हाँ यहाँ पे आकर मैंने सब कुछ कर लिया है। उसी के लिए हम नेक्स्ट शो का प्लान भी कर रहे हैं। एक किसी भी कैंडिडेट के लिए या किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स के लिए, जब वो मॉडल बनने के ऐसे कौन से तरीके हैं कि वो एक मॉडल बने और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे? क्या जरूरी मॉडल चीजें, क्या जरूरी टिप्स हैं आप देना चाहेंगे कि आप एक बेहतर मॉडल बने? बनने के फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छा आपके पास अपना खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि एटीट्यूड, हम लोग बोलते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, जी बट शेर से बड़े भी जानवर होते हैं, शेर से तेज बिल्कुल दौड़ने वाले जानवर भी बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। शेर इसलिए होता है क्योंकि उसका एटीट्यूड खुद में होता है, वो किंग होता है। वैसे ही मैं, जितने भी मॉडल्स मुझे इसमें देख रहे हैं, आप अपने अंदर वो एटीट्यूड लाओ, वो कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ, वी आर द बेस्ट क्या एडमिरल। ग्लैमर का तड़का भी इसमें शामिल है? ऑब्वियसली आप, ये ग्लैमर की दुनिया सर, ग्लैमर का तड़का बहुत जरूरी है, जी ठीक है ना। आप बाहर से शो ऑफ करना बहुत जरूरी होता है जी इसमें। तो
तो आने वाले आप क्या बताना चाहेंगे, कौन से अगले प्रोग्राम्स हैं, क्या फ्यूचर्स हैं, कि Actually, अगला कोई प्रोग्राम आपका रिसेंटली अगर आप करना जा रहे हैं बताना चाहेंगे इस चैनल पर? रिसेंटली अभी मैंने कल ही पोस्टर लॉन्च किया है, मिस्टर मिस एंड मिसेस इंडिया जी 2019 द एग्जॉटिक वर्ल्ड जी। एंड पोस्टर लॉन्चिंग में इतना तहलका मचा है कल से, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों ने शेयर किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि आप यूं कहें तो। एंड कल से कॉल्स वगैरह काफी आ रही हैं, एंड वी आर प्लानिंग अबाउट द फिनाले इन दिल्ली, उसी पे चर्चा चलेगी। मतलब कई सारे प्लानिंग में हैं जिनको आप कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ जी। किसी आप जब इस फील्ड में आए हैं मॉडलिंग या एंकरिंग की फील्ड में, तो आप अकेले आए कि या किसी के साथ था? एक्चुअली किसी ने, मैंने एक कहते हैं ना कि पीछे से कोई धक्का देने वाला या कोई सपोर्ट करने वाला, सहयोग करने वाले कोई व्यक्ति है? सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे पापा कह रहा है कि मोस्टली जो हम लोग मिडिल क्लास के जो भी फैमिलीज होते हैं उनमें प्रेशराइज होता नहीं, स्टडी मींस द स्टडीज, बट माय फादर सेज कि मैंने परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा आपके पास, परिवार का बहुत बड़ा सहयोग। पापा मेरे मतलब कहीं भी जैसे बाहर शो में ज्यादा था कि पापा मैं चला जाऊँ, ठीक है, उनकी रजामंदी आपके साथ रही। हाँ जी, उनकी वजह से आज जो कुछ नाम मुकाम पे है। एक तो बहुत इस चैनल के माध्यम से एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं मॉडलिंग वालों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करो, देन यू हैव अ मोस्ट वन, आपका कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। ये दो चीजें मॉडलिंग में बहुत अच्छी बात है, बाकी आप अपने फिजिक्स पे ध्यान दो, अपने सेल्फ डिपेंड होना उसके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आईक्यू लेवल आपका बहुत अच्छा हो। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाकी हाँ, बाकी आप एग्जॉटिक इंडिया में साथ जुड़ के रह सकते हैं। वाह क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ देव नेगी, जिन्होंने बताया कि एज ए मॉडल और एज ए एंकर आप कैसे बन सकते हैं, कैसे इन फील्ड में जा सकते हैं। फिर किसी मुद्दे पर फिर बात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।